देहरादून से खबर है। मन की बात कार्यक्रम का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। सीएम धामी ने की मन की बात की तारीफ। बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, सीएम ने ये कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को सीएम ने याद किया। अटल जी ने वर्क कल्चर की शुरुआत की, सीएम ने ये कहा है। कोरोना को लेकर लोगों से सीएम ने अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज जरूर लगवाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हैं, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, सीएम ने ये कहा है। तो उत्तराखंड के देहरादून से जानकारी, जहां पर सीएम धामी ने मन की बात की तारीफ की है। अटल बिहारी वाजपेयी को सीएम ने याद किया है। तो मन की बात कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून से जानकारी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सीएम धामी ने मन की बात की तारीफ की है। मेरा अनुरोध है हमारे मंडल अध्यक्ष जी से। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी सीएम ने याद किया है और सीएम ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। साथ ही कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर के भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज जरूर लगवाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का जो कार्यक्रम है, वो हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को एक प्रेरणा देता है। और उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के ऐसे प्रयास, ऐसे काम जो लोगों की नज़र में नहीं आते, उन सब को भी लोगों की नज़र में पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम होता है। इन प्रतिभाओं को भी और इन प्रयासों में लगे हुए लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे कठिन समय में भी, ऐसे कठिन समय में G20 की भारत को अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का नेतृत्व मिला है।